हो, ताकि गर्माहट का, ताकि ज़िंदगी में जो है ना जो कमी है, जो नहीं है, उसका एहसास हो। सो मैं सोच रही थी कि ज़िंदगी में लोग भी हम इसी तरह से होते हैं, एक दूसरे से जब मिलते हैं, बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिससे गर्मियों में मिले तो वो एसी की तरह लगते हैं, उनके पास जाकर अपनी झुंझलाहट, अपनी गर्मी का वो जो एक बेहाल होता है वो ख़त्म हो जाता है, एहसास जो है ठंडक में, राहत में, सुकून में, तस्कीन में बदल जाता है। और बहुत सारे लोग जो है वो हीटर की तरह होते हैं कि जैसे सर्दियों में उनके पास जाए तो आपको गर्माइश, आपको हिद्दत, आपको वो चीज़ें जो चाहिए होती हैं वो मिलती हैं। बहुत सारे लोग इसके बरक्स होते हैं, उनकी तरफ जाए तो ऐसे लगता है जैसे लू के थपेड़े गर्मियों में भी, तो ऐसे लोगों के पास जाना कोई भी पसंद नहीं करता। हम चाहते ज़रूर हैं कि लोग अच्छी तरह हमसे मिलें, हम ये नहीं कोशिश करते कि हम भी अच्छी तरह लोगों से मिल लें, ताकि कल को अगर वो हमसे और हम उनसे मिलें तो उन्हें हम में वो मिले जो उनके पास नहीं है और हमें उनसे वो मिले जो हमारे पास नहीं है। यही इंसानी रिश्तों की खूबसूरती है कि हम लोग एक दूसरे की कमियों को फुलफ़िल करते हैं, और जो लोग अपने रिश्तों में इन कमियों को अच्छी तरह से फुलफ़िल करते हैं उन्हीं के रिश्ते कामयाब होते हैं, खूबसूरत होते हैं, देरपा होते हैं। आज जिस फैमिली से आपकी मुलाकात कराने जा रही हूँ, उनका हमारे साथ जो एक रिश्ता है वो भी बड़ा देरपा है, बड़ा तवील है, खूबसूरत है, और उसकी वजह बहुत हद तक यही है जो मैंने आपसे कहा, जब हमारा दिल करता है कि हमें कोई ऐसा गाना सुनने को मिले जिससे हमें सुकून मिले तो हमें उनकी तरफ से सुनने को मिलता है, जब हमारा दिल करता है हमें कोई ऐसी चीज़ मिले जो हमारे ज़िंदगी में जो हमारी फीलिंग्स है उनको एक्सप्रेस कर सके तो उनकी तरफ से आता है। और ये एक ऐसी फैमिली है जिसने बहुत कंट्रीब्यूट किया है पाकिस्तान के फोक म्यूज़िक में, क्योंकि उनके गाए हुए गाने, उनका गाया हुआ कलाम जो है वो पॉपुलर है, और अभी भी वो एक नए अंदाज में उनकी फैमिली जो है चीज़ों को सामने लेकर आ रही है। आज मैं आपकी मुलाकात कराऊंगी लोने वाला फैमिली से, प्लीज़ वेलकम अल्लाह दिता लोने वाला एंड नदीम अब्बास लोने वाला। हाँ मतलब खुसा पहनते हैं लोग, कम पहनते हैं अब तो, आप हमेशा सर खुसा ही पहनते हैं, तशरीफ रखें। हाँ हमेशा खुसा पहनते हैं जी, हाँ जी ना, खुसे के अलावा कोई और जूता पहनना पसंद नहीं है? नहीं नहीं पसंद है, क्यों नहीं। अच्छा लेकिन अपने खास प्रोग्राम पे खुसा, ये आज आपके ऑनर में उन्होंने खुसा। थैंक यू सो मच। सो ये हमारा खूबसूरत कल्चर, आइए, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। कैसे हैं सर आप? मैं अभी कह रही थी कि फैमिली, सो बेटा जो है वो लेकर चला है आपके क्या कहते हैं गायकी के अंदाज को, आपको लगता है कि सर अपनी झलक नज़र आती है नदीम में? हाँ हाँ क्यों नहीं आती है, मतलब आपको अपने जैसा लगता है, अपने से अच्छा लगता है? आप इसको कभी कभी कहते हैं अपने बेटे को कि अभी तुम वहाँ नहीं पहुँचे जहाँ पे हम थे या जो हमने किया है? औलाद अच्छी हो, लायक हो तो माँ बाप को खुशी होती है, बेशक बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह। और नदीम इस लायक है तो अल्लाह ताला इसको और ज़्यादा इज्जत दे और आवाज़ कलाम। आमीन, बिल्कुल। सो हमारी मुलाकात नदीम अब्बास से तो रहती है, आज हमने कहा कि फादर सन जो एक रिलेशनशिप है उसके ऊपर भी साथ साथ बात की जाए। तो अलादिता लोने वाला साहब को दुनिया जो है वो एक कमाल फनकार के तौर पे तो जानती है, वालिद के तौर पे कैसा ज़िंदगी में फील हुआ है? ये वैसे मिजाज जो है वो एक ही कैरी होता है हर फील्ड में, मतलब इंसान एक ही है लेकिन मिजाज तो उसका वही रहता है। जो मतलब मेरी जो अपनी एक्सपीरियंस है, मतलब मैं अगर उसको अपने एंगल से देखूं, आर्टिस्ट क्योंकि सेंसिटिव होता है, और जो ये रियल आर्टिस्ट हैं इनको, यानी ये बोर्न आर्टिस्ट हैं, खुदा के नवाजे हुए लोग जिनकी जिनके गलों में कुदरत के एक ख़ास एक शाहकार बोलते हैं, तो इनके मिजाज जितने अच्छे गायक के हैं उतने अच्छे ये बाप भी हैं। अच्छा। और उतने ही अच्छे ये भाई भी हैं, उतने ही अच्छे मतलब बाकी रिलेशंस में भी, ठीक है। और अच्छा, जो आपके दादा भी मतलब फैमिली में वालिद साहब से पहले भी गाता था कोई, वो भी गायकी सर आपके वालिद साहब भी? हाँ। गाते थे और वो भी उसमें? अच्छा, आपने उनका रंग अपनाया, आपने उनके अंदाज को फॉलो किया? जी हाँ, अपने बुजुर्गों का ही जो अंदाज है मैं वही गा रहा। आपने उसको और आपके अंदाज को कैरी किया आगे नदीम अब्बास ने। नदीम ने जैसे इसे मॉडर्न किया, आपने भी अपने दौर में सर मॉडर्न किया था, वालिद की गायकी से कोई एक स्टेप आगे लिया था? हाँ हाँ। अच्छा, मैंने वो ये सदियों से चला आ रहा है, और मैंने वो जो बाप से सुना, मेरे बाप ने अपने बाप से सुना दादाजी से, और यानी इसी तरीके से मैं वो फोक लेके आया हूँ, ठीक, और वो पेश किया है लोगों को जो असल फोक था।
बिल्कुल सही। ये लूने वाला कहाँ से आया है? ये लूने वाला जो है ये क्या है? मुझे तो यहाँ से आया है। आपको तो यहाँ से आया सर। ये लूने वाला क्या? ये तखल्लुस है, लकब है? अच्छा, गाँव है। और लूना कौम है। अच्छा, और लूना कौम है? लूना कौम है, वहाँ जो रहते हैं। ठीक है। तो मेरा शौक था बचपन से कि मैं, अल्लाह ताला ने मुझे वक्त दिया तो मैं अपने गांव का नाम रोशन करूंगा। अच्छा, ठीक है। तो अल्हम्दुलिल्लाह खालिक ने मेरी सुनी। और ये आपने नाम गांव का आपने अपने साथ लगाया कि वालिद साहब के नाम के भी साथ? नहीं, नहीं, मेरे नाम। आपके नाम के साथ? ये पहली दफा ये नाम लूने वाला जो है ये आपके नाम के साथ लगा? जी हाँ। अच्छा, वाह। गाँव का नाम आपने रोशन किया, आज पूरी दुनिया जो है वो लूने वाला जानती है कि अच्छा अच्छा वाह। तो जब अब आप जब इस नाम को कैरी करते हैं नदीम, तो इसका मतलब उनका तो गांव था, अब आपके लिए ये क्या है? मेरे लिए क्योंकि लेगेसी है, एक लूने वाला, एक इतना, मतलब मैं तो इसको और नज़र से देखता हूँ कि ये मेरे वालिद की वो एक्सटेंशन है कि जिसको मैं कोशिश करूँगा कि मैं अपनी अगली औलादों में भी मुंतकिल करें हम इस लोने वाला को, क्योंकि मतलब डेफिनेटली एक विश है उनकी। हाँ। कि मेरे गांव का नाम जो है वो मेरे नाम के साथ रहे। हाँ। और सर, शनाख्ती कार्ड पे जो नाम है वो अल्लाह देता होगा, उसमें लूने वाला नहीं है, उसमें तहसील, दाखाना, पता जो है वो शायद लूने वाला हो। जी हाँ। ठीक है, लेकिन कहलाते। और नदीम आपके उस पे नदीम अब्बास है? नदीम अब्बास। और लूने वाला वहाँ पे भी नहीं? बिल्कुल। ये भी अभी तक, तो कब ये शनाख्ती कार्ड में नाम के साथ भी लिखा जाएगा? क्या आपके बच्चों के नाम के साथ आएगा? नेक्स्ट जनरेशन में मेरा ख्याल अब ये शुरू हो जाना चाहिए कि शनाख्ती कार्ड के नाम का हिस्सा बन जाए, बजाय इसके कि तहसील, डाखाना, मुस्तकिल पता तक महदूद रहे, बल्कि ये नाम के साथ आ जाए ऊपर, ताकि आपका उसमें ना वो क्लेम। तो अभी तक मुस्तकिल पता जो है वो नदीम आपके शनाख्ती कार्ड पे क्या है? चिन्योट जो हमारा अबाई घर है। अच्छा। वहाँ का भी है। हाँ। और जहाँ हम लोग लाहौर में रहते हैं वो भी है। तो लेकिन ये मतलब इसके ये बड़ी खूबसूरत एक मतलब खास अपने तो अपने इश्क में या अपने उसने वो एक कर दी, ये हम लोग यही, मैं उस दिन भी जब लास्ट आपके शो में आया तो यही बात हम लोग कर रहे थे कि अपने रूट्स के साथ हम लोग जब तक अपना कनेक्शन नहीं रखेंगे, हम जब तक अपनी पहचान, अपनी बुनियाद से उसको यानी नहीं मानेंगे, उसको ओन नहीं करेंगे, मतलब ये तब, और याद रहे कि ये तब की बात है जब शहरों में देहात वालों को उनके गाने को भी और उनकी शख्सियात को भी पेंडू कहा जाता था। हाँ। और उस वक्त अपने गांव का नाम साथ रखना। हाँ। तो ये इट्स नॉट, ये कोई आसान काम नहीं है। और जैसे वो मेरा ख्याल है कैमरा नहीं तफसील में दिखा सका, तो अगर आप वालिद साहब को जरा सामने ला सके, हम मैं चाहूँगी लोग उनका खुस्सा देखें और से हाथ के काम का बना हुआ तिल्ले का खूबसूरत तिल्ले दी की धार वाला खुस्सा जो है वो उन्होंने पहना है। और ये बड़ी कमाल बात है कि आप मतलब आप बदलते नहीं हैं वक्त के साथ, आप ये नहीं कहते कि जी अब क्योंकि अब आपने बाहर के ब्रांड्स के जूते पहने जो आप पहन सकते हैं, आपको पैसा भी है, आपके पास रिसोर्सेज भी हैं सब कुछ के, ये गुची है तो ये फलाना है, उन्होंने अपना ब्रांड पहना है। सो ये भी एक बड़ी कमाल और कल्चर है, ये हमारा कल्चर है पंजाब का जो अपनी, मैं यानी कन्हों वाली जूती है। हाँ। और खुस्सा। हाँ। मैं इसको बहुत लाइक करता हूँ। अच्छा। क्योंकि हमारा ये कल्चर है सदियों से आ रहा है, सदियों से आ रहा। हाँ जी, ये बाजारी जूती है वो तो काफ़ी हैं, पहनते भी हैं, लेकिन जो तो जब कोई ख़ास फंक्शन हो तो फिर मैं या खुस्सा पहनता हूँ या वो कनियों वाली जूती पहनता हूँ। बिल्कुल सही, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। अच्छा, बातें हम कर रहे हैं आज, लेकिन ऑब्वियसली हमें बहुत खूबसूरत कलाम भी सुनना है लूने वाला फैमिली से। सो एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद जब मैं आऊँगी तो कुछ ऐसा सर जो आप बेटे के साथ मिलकर अपने सुनने वालों को, हमारे देखने वालों को सुनाना चाहेंगे। ठीक है, तो ब्रेक लेंगे, काफ़ी पेश करेंगे, काफ़ी पेश करेंगे बाबा बुल्ले शाह की। ठीक है, लेकिन बाबा बुल्ले शाह की काफ़ी से पहले एक ब्रेक। वेलकम बैक, और हम अब बिल्कुल सुनना चाहेंगे बाबा बुल्ले शाह की कॉफ़ी, जिसका ब्रेक से पहले आपने वादा किया। अरे ये कॉफ़ी नहीं है, काफ़ी है। अच्छा, ये काफ़ी है। हाँ
ये सुबह सुबह कॉफी का वो होता है, लेकिन वो आप पहले देखें उस कॉफी से पहले ये काफी कितनी अच्छी लगी, मकबूल ये। हर दफ़ा जब मेरी मुलाकात होती है रूने वाला फैमिली से तो एक बड़ा एक्साइटिंग मोमेंट होता है, इसलिए कि बड़े हमारी जो पंजाब का एक खूबसूरत कल्चर है ना, उसका रिवाइवल और उसकी कॉन्टीन्यूएशन जो है वो दोनों बैक वक्त देखने को मिलती है। इसलिए कि नदीम अब्बास ने उसको कैरी भी किया है, उसको मॉडर्नाइज भी किया है। कैसा लगता है आपको ये, जब बेटा जो है उसका साज फ़र्क है, उसका अंदाज फ़र्क है, लेकिन वो गा फोक रहा है, चीज़ें वो कर रहा है, आपको तो बड़ा फख्र होता होगा। जी हाँ, क्यों लेकिन नहीं? कभी कोई आके कहे कि आप नदीम अब्बास के वालिद हैं तो कैसा लगता है? मतलब अच्छा लगता। इसके कि ये कहे कि नदीम ना अच्छा लगता है, अच्छा लगता अच्छा है। बेटे की शनाख्त जो है अगर आपकी शनाख्त से बड़ी हो जाएगी तो आपको अच्छा लगेगा। हाँ हाँ, क्यों नहीं, मुझे क्यों नहीं। हमारे पंजाब में औलाद की एक वंड रखी है, औलाद की एक हमारा जो देहाती मकबूला है औलाद हाँ। के लिए बेटा जो अल्लाह को देते हैं मौला देता है, एक बेटा वो होता है जैसा बाप वैसा बेटा, ठीक ठीक, उसको बोलते हैं पुत्र, हमारी पंजाबी जुबान में उसको पुत्र बोलते हैं, ठीक। एक होता है जो बाप का नाम भी डुबो देना, उसको कबूतर कहते हैं, कबूतर कबूतर, ठीक है, कबूतर, एक पुत्र एक कबूतर, ठीक है। जो बाप से भी दो कदम आगे चले उसको सपुत्र कहते हैं, सपुत्र कहते हैं, सपुत्र कहते हैं, ठीक है। तो ये आपका सपुत्र बेटा? अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा माशाल्लाह, नदीम अब्बास सपुत्र है, ठीक है। ये मेरे से भी दो कदम आगे चला, ठीक है, और अल्लाह ताला इसको कामयाबियां दे, ठीक है, दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की दे, आमीन। तो माँ बाप को तो औलाद अच्छी हो, नेक हो, फरमा बरदार हो, तो हाँ। इससे उनकी तो यहीं पे जन्नत है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा नदीम, आपकी जो ज़िंदगी गुजरी है, मैंने आना है फोक आइटम आपसे सुनने के, लेकिन चन्योट में कितनी गुजरी है और फिर लाहौर में कितनी गुजरी? स्कूलिंग चन्योट में हुई तो, और मतलब उसमें भी बहुत ज़्यादा वक्त जो है वो अब्बू के साथ गुजरा। अच्छा। और वो यानी हमने जो पूरे पाकिस्तान में ऑलमोस्ट मैं जब तक लाहौर आया था मैं परफॉर्म कर चुका था, ठीक है। मैंने पाकिस्तान का हर स्टेज देखा, वहाँ परफॉर्म किया, और मतलब देहात से लेके शहरों में सूबों में जहाँ जहाँ वो ट्रैवल कर रहे थे मैं साथ जा रहा था। अब आप अब्बू के साथ रहते हैं कि अब्बू आपके साथ रहते हैं? रहते हैं हाँ। वैसे मेरे साथ तो ये हर वक्त रहते हैं हाँ। और क्योंकि ये जब तक मैं फिजिकल सेंस में बात करूँ, आप अब्बू के घर में रहते हैं कि अब्बू आपके घर में रहते हैं? मतलब वो इन्हीं के घर है। बिल्कुल है, लेकिन हाँ। एक बड़ी खूबसूरत फील होती है, एक बाप ने घर बनाया होता है जिसमें बच्चे सारे रहते हैं, एक वक्त होता है जब बच्चे जवान हो जाते हैं और वो कहते हैं अब्बू आपने मेरे साथ रहते हैं। बिल्कुल, तो वो स्टेज है अब? वो बिल्कुल है। अच्छा, जब फर्स्ट टाइम जब मैंने घर बाय किया और तब मैं वो जो उसकी तब मैं वो जो चाबी थी हाँ। तो मैंने लगाई नहीं थी, अम्मी अबू आए और ये मसरूफ़ थे अपने कामों में, मैं दो तीन दिन हम लोग गए ही नहीं उधर। अच्छा। और फिर जब ये आए तो इन्होंने इफ्तिताह किया, बिस्मिल्लाह की उसकी, आपका तो बिस्मिल्लाह करना भी बड़ा मशहूर है, तो बिस्मिल्लाह करना जो है वो यहाँ से हुआ? बिल्कुल। अच्छा वाह। अच्छा किस पे है सर, ये ददयाल पे है कि ननियाल पे है? आपके घर में लड़ाई बहस चलती है कि ए मुंडा जड़ा ना है ददयाल पे है बाकी सारे ननियाल पे? नहीं, हमारे घर में लड़ाई का रिवाज ही नहीं। अच्छा वाह माशाल्लाह। लेकिन नदीम अब्बास आपको लगता है आप पे ज्यादा है, वालदा पे ज्यादा है, नैन नक्श में भी, वैसे भी देखने में और आदतों में भी? आपको क्या लग रहा है? वैसे मुझे लग रहा है नैन नक्श तो आपके वालिद वाले हैं, रंगत वगैरह जो है वो वालदा की होगी और अंदाज जो है आपका वो पूरा वालिद वाला। बिल्कुल, डेफिनेटली। आदतें और जो आपका नशिस्त व बर्खास्त मुझे लग रहा है कि वालिद जैसे। मेरी अच्छी आदतें सब अब्बू से। बिल्कुल सही। अरे आपका सर एक बड़ा मशहूर फोक आइटम है ना दिलड़ी? जी वो घनेरी है हाँ। बिल्कुल, मुझे पता लग गया कि आपके कान में नदीम ये आपको कौन बता रहा है? नदीम की फरमाइश है हाँ। वो नईम की तरफ से आई है, तो प्लीज दिलड़ी की फरमाइश। इसी काफी को हमने दो स्टाइल में मैंने गाया है। अच्छा। एक तो
मुगलई ताल है उसमें वो सात मादरी का ताल है उसमें जो पहले से आ रहा है क्लासिक स्टाइल क्लासिक स्टाइल मुगलई में हाँ मुगलई में शर्म से उसमें ठीक गाया है और मैंने थोड़ा सा उसको अपडेट करके भी गाया जदीद म्यूज़िक में भी गाया है कंपोजिशन वही है कंपोजिशन वही है यानी उसको लेकिन उसका थोड़ा सा स्टाइल चेंज किया है जनाब जो अच्छा लगे प्लीज खुश आमदी जनाब आज हम मिल रहे हैं नदीम अब्बास लोने वाला और जनाब अल्लाह दिता लोने वाला साहब से अच्छा नदीम मतलब आपने दोस्तों की तरह वालिद से कभी शेयर किए कोई दिल लगी कोई दिल की चोट कोई दिल का मामला कोई कोई जिंदगी का मामला उतना कभी नहीं अच्छा सर आप कभी नहीं सामने को बिठाने का मतलब यही होता है कि हम इस तरह की गपशप जो है वो मामला अच्छे हमारी मुझे जो अपनी अपने कल्चर की कुछ चीज़ें जो बहुत पसंद है उनमें से एक एक ये जो तहजीब है हमारी उसमें जो एक एहतराम का रिश्ता है बड़ों के साथ और मासूम शक्ल के बड़े बेजर अब्बा लग रहे हैं वो लगता नहीं कि डांटते होंगे हाँ जी नहीं मुझे तो नहीं लगता आपने डांटा भी होगा कभी नहीं नहीं इसको कभी डांटा अच्छा मारा भी होगा एक आध दफा है ना अंकल जल्दी मारा भी है म्यूजिक के लिए बताया है सिखाया तो कभी कभी जल्दी में होता था जल्दी में होता था अच्छा खान साहब ये जब अंदाज़ा होता है कि औला अब ये जवान हो गया है अब नहीं इसे कुछ कह सकते वो टाइम कब आया था जब आपको लगा कि ये नदीम अब नहीं इसे कुछ कह सकते उन्हें अभी भी नहीं लगा अभी नहीं माफ़ी अभी नहीं होती अच्छा हाँ बेशक अल्लाह इसको और जो हमारा फ़ख्र है हमारी खुशी है अच्छा। माँ बाप को तो पढ़ लग जाते हैं अगर औलाद अच्छी होती है बिल्कुल तो इसने बहुत कम मौके दिए हैं नाराज़ होने के इसने भी और जो इससे बड़ा है वसीम अब्बास ठीक वो माशाल्लाह बड़े वाले से कोई इतने आप ज़्यादा खुश नहीं हैं नहीं खुश हूँ मैं हाँ अल्लाह उसको खुश रखे लेकिन ज़्यादा टाइम जो मेरे साथ वो नदीम ने गुजारा ये तो मेरे दोस्तों की तरह है ना हम ये नहीं कह सकते हैं देखने वाले सारे कि अल्लाह सबको नदीम अब्बास जैसी औलाद दे इलाही हाँ मतलब इतनी फरमाबरदार इतनी वालदैन की सब बाकी दुनिया में कौन फरिश्ता है भाई सब माँ बाप की खिदमत करते हैं जो भी औलाद जी लेकिन माँ बाप के साथ और करनी चाहिए रिश्तों के साथ हाँ। माँ बाप की खिदमत करनी चाहिए आप भी इतनी फरमाबरदार थे हाँ अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा और मैंने अपने वालिद की अल्हम्दुलिल्लाह मैं यानी मेरा बचपना था 15-16 साल की उम्र थी और मैं वालिद की बड़ा मैं था बाकी बहन भाई सब छोटे थे तो वो दुनिया से रुखसत हो रहे थे उन्होंने मुझे बुलाया मेरी शादी भी उन्होंने कर दी बचपन में ही बड़े खुशकिस्मत हैं आप बचपन में ही शादी हुई अल्हम्दुलिल्लाह ठीक तो उन्होंने मुझे अपने पास बुला के बिठा के और कहा कि बेटा आपने मेरी बहुत खिदमत की मैं आप पे राजी बहुत राजी हूँ कानों तक राजी हूँ आपने मेरी बड़ी खिदमत की है मैंने कहा कि वो मैं कोई एहसान किया मैंने तो अपना फ़र्ज अदा किया आप मेरे बाप हैं खुदा के बाद जो रिश्ता है वो आपका है इस्लाम में तो ये भी है कि अगर माँ बाप की कब्रों की पहचान हो तो दो लकीरें लगा लें ये मेरे बाप की और ये मेरी माँ की और खाले कहता है कि उन लकीरों को सजदा करें बिल्कुल सर कहते हैं माँ बाप की ज्यारत प्यार से देख लो तो मकबूल हज का सवाब अल्हम्दुलिल्लाह ये रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जी हदीस पाक मैं भी हदीस ही पेश जी तो नहीं नहीं आपको ये सर बच्चे तो सबके होते हैं हाँ ये ताबेदारी कहाँ से आती है फरमाबरदारी क्या कोई खास ये विरसे में मिलती है कुछ विरसे में चीज़ें मिलती हैं मैंने खुद की और आज औलाद मेरी कर रही है सही कह रहे हैं जो करोगे वो बरोगे जैसा करोगे वैसा बरोगे मुझे अपने आप को देख के वैसे भी पता है मैं भी बहुत शरूड औलाद थी आज मेरी औलाद मुझसे ज़्यादा शरूड है
मैं बहुत शरूर डाला अच्छा आयुष के मैं ही थी अम्मा से बात कर कभी अंकल हूँ फरा कभी क्या हूँ अंकल या फादर हाँ और मैं उनसे यही क्वेश्चन करूँ और लाइव ना कीजिएगा बाकी जो मर्जी कर लीजिएगा क्योंकि जब जवाब आपको देंगे अंकल तो आपको बड़े उन्होंने तो सीधा सीधा बताया मैंने कहा तौबा लेकिन जिस फरा को मैं जानता हूँ और मैं मतलब ये कहना भी चाहूँगा कि मतलब कम ख़वातीन देखी है मैंने इस तरह से शोबीज़ और मीडिया और ये जो टीवी स्क्रीन की जो लाइफ है बड़ी टफ लाइफ है और मतलब ख़वातीन के लिए स्पेशली वो ज़्यादा इसको और नज़र से और लोग मतलब ये एक और तरह की दुनिया है लेकिन मैं एक स्पिरिचुअल परा को जानता हूँ कि जिसकी खुदा से लॉ है और जिसको वो बात समझ आती है जो कम ख़वातीन का रब्त होता है वो बात समझने के लिए कुछ लोगों के कान होते हैं लेकिन कान नहीं ये जो है ना ये नदीम की बड़ाई है स्पीक करूं ये कमाल नदीम आपकी क्योंकि इतनी सक्सेस मिलने के बाद आप में लिहाज होना आप में सरियाना गर्दन में आना अच्छा बुरा वक्त जो है वो लाइफ में सबसे आता है मतलब और उसमें कई जिंदगी के काफी मोड आते हैं आपकी जिंदगी में कि जिसमें मतलब आप दुनियादारी की नजर में आपको आप डिफरेंट तरह से बन जाते मतलब लग रहे होते हैं लेकिन असल में आप ऐसे होते नहीं क्योंकि मतलब मैंने हमेशा ये सुना है कि एक वो विषय मौला अली अलैहिस्सलाम से किसी ने पूछा कि मौला आपने अपने खुदा को किस तरह पाया आपने खुदा को यानी उसके होने का क्या सबूत पाया तो मौला ने फरमाया कि मैंने अपने इरादों के टूटने में अपने रब से मतलब आप जो विश करें आप इंसान एक विश करता है कि यार मेरी ये लाइफ होगी मैं ये ज़िंदगी गुजारूंगा मैं लेकिन उसमें जो वो रुकावटें आती हैं वो हम आगे ये समय से बात भी करेंगे कि वो रुकावटें क्यों आ जाती हैं ये सितारों की वजह बताती हैं कोई मतलब डेफिनेटली इनका एक इल्म है उसके ज़रिए ये बताएंगी कि ये वजह हुई थी फलां जो सितारा है वो फलां घर में था फलां इस वजह से आपके साथ ये प्रॉब्लम है और मुझे ये लगता है जो मैं इनको जानती हूँ आई थिंक अगर इन्होंने कहीं कोई जिद की होगी तो आई थिंक सिर्फ अपनी जाती जिंदगी में आपका कोई अदरवाइज आपको ना फरमा बरदार नहीं देखा उसे ना फरमा बरदार नहीं ये लगता है कि मतलब जो जो आप चाह रहे हैं ना अगर वैसा नहीं होता आपके लाख चाहने के बावजूद अगर वैसा नहीं होता तो इसमें खुदा की मर्जी शामिल है बेशक खुदा वैसा नहीं चाह रहा जैसा आप चाह रहे हैं तो वैसा हो जाना चाहिए जैसा वो चाह रहा है बिल्कुल एट द एंड ऑफ द डे बिल्कुल अच्छा आप दोनों गा रहे थे और मैं देख रही थी खास कर आपकी आवाज़ हालांकि नदीम की आवाज़ बहुत बाकमाल मगर आप दोनों गाते हैं आपकी आवाज़ का जो एक खालिसपन है ना जिसे कहते हैं खरकड़ी आवाज़ पंजाबी में कहें मतलब तो कूकती आवाज़ माशाल्लाह वो बड़ी खूबसूरत है ये हमारे फोक सिंगर सबकी एक कमाल है कि उनकी आवाज़ की एक खरक जो है ना वो बड़ी अलग होती है जैसे नदीम की जो है वो बड़ी एक डिसेंट बेस आपकी नहीं है आपकी एक बड़ी मुनफरिद आवाज़ अच्छा अब आपका ना एक एक खूबसूरत गाना है लेटेस्ट जो बड़ा जैसे कहते हैं ना पॉपुलर सॉन्ग और वो आपने पेश किए हैं रश के कमर मेरे रश के तो आज हम नदीम अब्बास का रश के कमर जो है वो देखेंगे अच्छा मैं ये पेश करता हूँ आपकी नज़र ये हम शोज में मोस्टली कवाली की शक्ल में हम लोग इसको गा रहे हैं आजकल और कवाली का बैंड तो नहीं है अभी लेकिन जितना भी है लेट्स सी नईम भाई की फरमाइश है और रश के कमर का जिक्र भी होना चाहिए तो लेट्स सी खुश आमदीद और ये अभी जो परफॉर्मेंस थी ना ये मेस्मराइजिंग यानी आज से मैं आपको नदीम अब्बास खान साहब कह सकती हूँ मुर्गी हो या टेम्पो हो या कवाली खान साहब यू मस्ट बी ए प्राउड फादर मतलब आपके बेटा आपके सामने बैठे हुए उसने जॉनराज और सारी चीज़ें तो माशाल्लाह ये तो बहुत कमाल बात है आप बड़े खुशकिस्मत वाले थे अल्हम्दुलिल्लाह उसकी क्लासिकल की तालीम है फोक तो हमारा विरसे में हमें मिला है ना लेकिन असल बेस क्लासिकल है ठीक है तो आपकी भी क्लासिकल की ट्रेनिंग हाँ, मेरी भी और मैंने नदीम अब्बास को भी वही तरबियत दी है ठीक है और उस्ताद आप ही हैं या मैं नहीं साल बनी पहले उस साल में पहला उस्ताद तो मैं हूँ ठीक है लेकिन मैंने तलवंडी घराना है तालवंडी घराना ठीक है मौसी जी का ठीक है उनका शिक्र उनका शिक्र जी आपने किस उम्र से इनकी ट्रेनिंग शुरू की उन्होंने बताया छः साल उन्होंने मेरा भी बताया कि उंगली पकड़ के लेके जाते थे वो तो वर्ड लिस्टिंग है एक्चुअली मैं आई लेट हूँ सुन नहीं सकती
बजाय मैंने उंगली पकड़ के दी है, मेरी उंगली पकड़ के स्टेज पे लेके जा। हमारे जो देखने वाले हैं वो बिल्कुल तैयार बैठे होंगे सामने, जिन्होंने क्वेश्चंस भेजे हुए हैं। जी जी, माया मीर जिनका कहना है कि उनकी मंगनी हो चुकी है, शादी कैसी रहेगी? अच्छा, हस्बैंड फरा अच्छा नज़र आता है, पूरा रिस्पॉन्सिबल नज़र आता है, पर इंतहाई गुस्से वाला और एक स्टबर्न आदमी नज़र आता है। तो माया, इसके अलावा और कोई मुश्किल नहीं होगी, कोई बात नहीं। जब एक इंसान, मुझे किसी बुज़ुर्ग ने एक बारी फरा कहा था कि आदमी की सारी खूबियाँ एक पलड़े में डाल दें, एक पलड़े में उसका ज़िम्मेदार होना डाल दें, ज़िम्मेदारी वाला पलड़ा भारी है। तो छोटा मोटा एंगर बर्दाश्त कर लेना चाहिए। मुझे बिल्किस ईदी का एक जुमला बहुत प्यारा लगता है, वो कहती होती थी कि एक आदमी की सह लो, एक आदमी के नखरे उठा लो, बजाय कि बाहर घर से निकल के 100 लोगों के नखरे कल को उठाओ, उस एक आदमी को बर्दाश्त कर लो। तो बिल्किस ईदी का जुमला इस जायचे पे फिट आता है कि सिवाय उस आदमी के एंगर के बाकी कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, तो सिर्फ वो जिम्मे रिस्पॉन्सिबल भी होगा, अच्छा लाइफ स्टेटस भी देगा, सिवाय एक एंगर के गुस्से वाला होगा। तो जब वो गुस्से में आए करेंगे माया, बस चुप रह लिया करना, और जो है वो चीनी का सदका आप दे दिया करें, वो भी आपके लिए ज़रा अच्छा रह जाएगा। हस्बैंड की नियत से भी दे दिया करना, अभी तो फियांसी है, शादी तो अभी से भी सदका तो दे सकती हैं। अगर अभी भी इनको मुश्किल आती होगी उससे रिलेशनशिप में। अच्छा, तभी तो उन्होंने पूछा शादी कैसी रहेगी, वरना उन्हें खुद ही पता होता कि शादी कैसी रहेगी। अच्छा, आमिर शहजाद जी जी, ये सिंगर हैं, सीख रहे हैं, वो कह रहे हैं करियर कैसा रहेगा और शादी कैसी होगी? अच्छा, बेस्ट है माशाल्लाह आमिर, अगर आप वाकई सीरियसली अपने करियर को फॉलो करोगे और नदीम अब्बास की जगह आपको भी ज़िंदगी मौका देगी, यहाँ बैठ के फरा इंटरव्यू ले रही होंगी आपका, तो अगर आप सीरियसली फॉलो करोगे, फेम की इंडिकेशन यहाँ पे नज़र आती है, लेकिन सितारा बहार की खबर दे सकता है, कोशिश फिर भी इंसान ने करनी है। बिल्कुल, तो वो कोशिश आमिर अगर आप करते हो, सीरियसली करते हो, जो भी और जो भी काम करें ना, ये तो खैर एग्री करेंगे इस बात से, और आप तो माशाल्लाह आप तो एक्सपर्ट्स में से आती हो, कि फरा अपने काम के साथ जब आप लॉयल होते हैं ना, काम आपका ज़रूर इज्जत देता है आपको। तो ये फेम की इंडिकेशन है, लेकिन अपनी इसकी लॉयल्टी और डेडिकेशन बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये बच्चा है तो मुस्तकिल मिजाज, कभी कभी इनके स्विंग्स आ जाए करेंगे। अच्छा, ये भी एक बड़ा खूबसूरत पार्ट है कि मतलब इसमें से एक बड़ा अच्छा एक पहलू निकल रहा है एक चीज़ का, कि आप फेम के लिए आर्टिस्ट बन रहे हैं। हाँ, मतलब क्यों आप आर्ट के लिए आर्टिस्ट क्यों नहीं बन रहे? खूबसूरत आप मतलब आप देखें ना, कहाँ सब हैं, तो इनके साथ कोई सोशल मीडिया नहीं था, कोई बहुत चैनल नहीं थे, यानी जब ये गा रहे थे जिन दिनों जगह जगह, हाँ। और साउंड सिस्टम भी नहीं थे, हाँ। तो टीवी ने इनको ढूंढ के गाँव से बुलाया, ठीक। और बहुत सारे खत लिख के, पहले तब खत होते थे, पीटी भी बोलता था, और फिर एक बंदा भेजा पीटीवी ने कि जाओ पता करके आओ कि लूने वाला खान साहब वहाँ रहते हैं, उन्हें कहो कि आप पीटीवी आपको रिकॉर्ड करना चाह रहे हैं। और मतलब ये आर्ट को उस लेवल पे आप क्यों नहीं लेके जाते कि फेम आपकी तरफ आ जाए? बिल्कुल सही है ना, बिल्कुल सही। और नेक्स्ट है जी आतिफ, यानी ये जॉब और शादी का पूछना चाह रहे हैं। अच्छा, जॉब और शादी हाउस आतिफ बहुत अच्छा है, बड़ी ही असूल कायदे कानून वाली बीवी मिलेगी, किस्मत अच्छी है शादी के मामले में, बहुत प्यार करने वाली बीवी मिलेगी। और जहाँ तक आपका करियर है, आप वैसे माशाल्लाह फाइटर भी हैं, स्ट्रगलर भी हैं, गिव अप नहीं करते, सरेंडर नहीं करते, ये खूबियाँ आपकी आपको अपने एक लेवल पे ले जाएंगी, हार्डशिप ज़रूर है। नाज़रीन, ये हैं वो खातून जो लोगों के ज़हन बनाती हैं शादियां करने के लिए, और वो भी बताती हैं किस के हिसाब से कर लो शादी। मैं अब्बाजी से बात करूं, मैं सो पक्की गाल कर रहा हूं। नहीं, लेकिन ये है कि सामिया जी की प्रेडिक्शन जो है सही होती है। वेरी गुड, वेरी गुड। मुझे मेरी काफ़ी सारी चीज़ें इन्होंने मुझे बहुत अच्छा पहले बताई थी, तब मैं मानता नहीं था, लेकिन अब मैं बहुत मानता हूँ। अच्छा, अगर तुम जैसा रूहानी बच्चा मानते हैं तो बड़ी बात है। मुझे ये चीज़ें मतलब ये इल्म जफर को हम लोग ज़्यादा प्रेफर करते हैं, क्योंकि उसको इमाम जाफर सादिक क्लास में हमसे मिलता है, तो डेफिनेटली इल्म तो इल्म तो है, इनकी इल्म का गलत इस्तेमाल बुरी बात है। अच्छा, ये म्यूज़िक भी वैसा ही है, मतलब जैसे हम लोग कहते हैं ना, जैसे आपका इल्म है सितारों का, और उसमें मतलब लोग अच्छी बातें भी करते हैं, उसका यूज़ डिफरेंट तरह से करते हैं, ठीक है। मतलब अच्छा, ये भी ये
और कितने खूबसूरत बात है, मतलब मैं जो मेरा कवाली की तरफ रुझान है, मैं अपनी तरफ एक क्वेश्चन खुद बढ़ाता हूँ कि मेरा कवाली की तरफ रुझान क्यों है, अब ये अबा क्यों हुआ है कि हमेशा से था? मुझे ये बचपन से ही ये एक्शन बहुत अच्छी लगती थी और उसकी सबसे बड़ी वजह ये थी कि आप किसी भी मज़हब के बंदे को आप कवाली के थ्रू आप एक ऐसा पैगाम दे सकते हैं कि जो उसके दिल की तार, क्योंकि दिल की तार जब तक नहीं छूटती इंसान का मजहब वो आता ही नहीं। सुना ना नुसरत फतेह अली को फॉरेनर सुन के झूमा? नहीं आप मतलब ये तो अभी इस सदी की बात है ना कि खान साहब को, अगर आप बड़े सगीर की बात करें तो हम लोग इन सालों से मुसलमान हुए थे, हमें इन साजों के साथ इस मौसीकी के साथ वो कलाम और वो पैगाम दिया गया था कि आबाओ अजदाद जो यहाँ पे बुजुर्ग रहते थे उन्होंने अपने मजहब बदल लिए, तो इल्म का सही इस्तेमाल जो है वो भी एक बड़ी खूबसूरत इल्म है। इल्म का सही एक इल्म होता है, एक उसके सही इस्तेमाल का इल्म होता है। बिल्कुल है। तो ये दोनों और गहरी बात। अच्छा सामिया जी, नेक्स्ट जो है वो है एम कॉम कर रही है, ये है तैयबा जी। जी करियर कैसा रहेगा इनका? बहुत अच्छा जॉब हाउस है, ऑल दो कि तैयबा जॉब हाउस में जेलिसीज लेग पुलिंग आपको बर्दाश्त करनी पड़ेंगी, लेकिन आपका कोई बाल बेका नहीं कर सकेगा। बेका होता है बाल बीका, बीका 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 सॉरी, बाल बीका नहीं कर सकेगा क्योंकि आपके वहाँ दो सितारे बहुत अच्छे, एक सितारा छोटी मोटी शरारतें लोगों की करवाता रहेगा, लेकिन आप डिटर्मिंड रहिएगा अपने करियर में और अपने करियर के लिए सीरियस बहुत रहिएगा, क्योंकि तैयबा का वो कम ही होता है कि मैंने लड़कियों में इतना स्ट्रॉन्ग करियर हाउस देखा, तो माशाल्लाह बहुत अच्छी नसीब है यहाँ पे। मोहब्बत के मामले में भी नसीब अच्छा है, औलाद बड़ी ताबेदार निकलेगी खान साहब की तरह। वेरी गुड माशाल्लाह, खान साहब जैसे औलाद तो अल्लाह ताला सबको देना, ये तो हम सबको दुआ करनी चाहिए खान साहब जैसे बेटे देना। अच्छा सामने मैं ब्रेक ले लेती हूँ यहाँ पे, और ब्रेक के बाद हम आएंगे। आप मतलब एक वो दौड़ा कहा करते हैं किसी भी गाने से पहले ना? अच्छा हाँ, दौड़ा कोई अच्छा सा मुझे एक खान साहब से भी कुछ सुनवा दे। बिल्कुल बिल्कुल, मैं लेट आई मैंने सुना नहीं। बिल्कुल सुनवाएंगे खान साहब को, तो हम वो करेंगे क्या पे छन छन मंगा जो है खान साहब का इतना मशहूर, तो वो थोड़ा सा अगर आप गुनगुना दें और हम ब्रेक पे चलें। पहले वो वाला वो सुनाएं दौड़ा। दौड़ा अच्छा, वो दौड़ा लंबी लाइन होती है, वो चार लाइनों का होता है, जो मैं आपको सुनाता हूँ अक्सर टीवी के वक्त की कमी की वजह से, वो माहिया होता है। माहिया सुना वो जो डेढ़ लाइन का होता है, डेढ़ लाइन में ही एक बड़ा खूबसूरत एक्सपीरियंस आता है। और नदीम के क्या माइये होते हैं, पता नहीं कहाँ कहाँ से ढूंढ ढूंढ के ये माइया जो है वो इकट्ठे करते हैं। अच्छा ये हमारे पंजाब की वो सकाफत है कि जिसका राइटर कोई नहीं है, मतलब एक एक बंदा वो चारा काट रहा है और वो ऐसे ऐसा माइया कह देता है, ऐसी ऐसी लाइन कहता है कि वो कमाल उसकी मतलब एक रूह बोलती है उसके अंदर। खुशामदी जनाब, आज हम मिल रहे हैं लुणेवाला फैमिली से, चनेट से ताल्लुक, और समय चनेट का एक फर्नीचर लुणेवाला फैमिली तो है ही ना, उसके बाद फर्नीचर और एक कुन्ना, क्या बात क्या बात क्या बात। वैसे आपसे गिला है कि आपने अपनी कुन्ना पार्टी में कभी भी इनवाइट नहीं किया मुझे नहीं उसमें दावत नहीं दी, उसमें हमने नईम भाई को बुलाया था, हम उसमें कुन्ने कुन्ने लोग बुलाते जब आप ऐसी होंगी तो जरूर बुलाएंगे नहीं नहीं आप मुझे कुन्ना पार्टी में जरूर। मोस्ट वेलकम। क्या खास बात है चनेटी कुन्ने में कि पूरी दुनिया में इस जैसा जो है ना वो खाना, मैंने लोगों को तरसते देखा है कि यार चनेटी कुन्ना क्या बात, अगर चनेट जाएं तो सर कहाँ से वो खाएं, वो जो खास हमारे हमारे घर से हमारे घर से मिल जाएगा ठीक है, लेकिन फिर भी वो एक कोई खास जगह नहीं, खास जगह कोई एक जगह नहीं, एक जगह नहीं है। अच्छा लेकिन है भी कुछ, लेकिन जो स्पेशल तैयार किया जाता है ना उसका कुछ मजा और होता है, उसमें देसी घी डाला जाता है। अच्छा। और देसी मसाले। अच्छा तो सर आपने कभी खुद बनाया? वैसे तो आप नहीं जाते किचन में, लेकिन कभी आपने बनाया हो? या नदीम आप हम खुद तो नहीं बनाते, वहाँ के जो कारीगर हैं वो बुलवा लेते हैं। ठीक है, और उनको बुलवा के तो आपको बना। आज हमने एक कारीगर मंगवाई हुई, लेकिन हम वो जो कुन्ना पार्टी है ना वो ड्यू रही हमारी तरफ, वो आपको यहाँ वाले लूने वाला हाउस में खिलाएंगे, लाहौर वाले में, ताकि आपको बहुत ज्यादा ट्रैवल ना करना पड़े कुन्ने के लिए। हाँ। वैसे तो मुझे खुशबू आ रही है, यहाँ भी मुझे एक घड़ा भी दिखाई दे रहा है। एक्सपर्ट हमारी आई हुई है ना, शेफ हुमा हमारे साथ है,
लेकिन सर आपके वहाँ जाने से वो चनियोटी को ना हो जाएगी। जी जी अच्छा हाँ। फिर मैं जाता हूँ, तो आप आएंगे है ना? तो सर आप दूर से हमें ब्लेसिंग दीजिएगा, जहाँ हम गलत करें आपने बताना है कि ओरिजिनल रेसिपी के नज़दीक तरीन क्या है। समय जी आप भी आइए आए। तो आज समय जी आज हमें आप सितारों का हाल देख के बताएं कुन्ना कैसा बनेगा। चनियोटी कुन्ना जो है वो जी शेफ फराह, शेफ उमा, शेफ फराह, क्योंकि मैंने फरमाइश है। बिल्कुल, और आप भी शेफ हैं वैसे, लोगों को पता है जितना। नहीं नहीं, आज मैंने फरमाइश की है, मैंने कहा नदीम अब्बास सारे यहाँ से चनियोटी कुन्ना तो होना चाहिए। बिल्कुल, और मैं अपनी रेसिपी शेयर करूंगी और ऑलमोस्ट कोशिश है मेरी ऑथेंटिक रेसिपी के तरीके वो है हमारे पास, और तस्दीक करेंगे। आप इसको किस तरह बनाएंगे? इस वजह से कहते हैं कि ये कुन्ना है, ठीक है, क्योंकि ये कुन्ने में बनता है, बनता ही इसमें, बनता ही इसमें। और बेसिकली इसका कुकिंग टाइम जो है वो काफ़ी ज़्यादा होता है, ओवरनाइट होता है ऑलमोस्ट। और जो इंग्रेडिएंट्स हैं वो मैं रूटीन उनकी जो है तरतीब बताऊंगी, लेकिन एक बात बता दूं कि इसके ऊपर ढक्कन लगा के और साथ में इसके कॉर्नर्स के ऊपर आटा लगा के इसको रख देते हैं ओवरनाइट कुक होने के लिए, मतलब पानी वगैरह डाल के, मसाला जात डाल के तरतीब के साथ, और फिर इसको रख देते हैं। और फिर वो जो गोश्त होता है, और गोश्त लिया भी जाता है, जिसे मछली का गोश्त कहते हैं, जो रान का गोश्त होता है निचले पार्ट का, वो लेते हैं और उसको कटवाते नहीं है। जो निहारी है, बिल्कुल ये उसका निहारी, जिस मीट की नली निहारी बनती है उसी मीट की पूरा पीस लेते हैं, इसको काटते नहीं है। और ये इस तरह से बिल्कुल चिपका होता है हमारे यहाँ पे, तो जो नॉर्मली कमर्शली इस्तेमाल हो रहा है फरा, उसके अंदर तो आटा डाल देते हैं या इस तरह की चीज़ें, थोड़ा सा उसको थिक करने के लिए ज़रूर इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन उतना थिक नहीं होता जितना निहारी का होता है, पहली बात। और दूसरा, कोशिश ये की जाती है कि जो इसकी हड्डियों का जूस है उसी की वजह से उसकी थिकनेस बने, जिसमें जो है शुरू तो करें आप, लेकिन आपके और हमारे घड़े में फ़र्क है, क्योंकि हमारे घड़े पे कच्ची मिट्टी लगी होती है, और वो मिट्टी लगाने से फर्क ये है कि वो चूंकि काफ़ी देर उसने सेक के ऊपर रहना होता है तो ये बर्तन टूट भी जाता है, तो इसलिए उसको मिट्टी से उसकी लपाई कर दी जाती है। ताकि सबसे पहले प्याज जो है वो बारीक काट के आपने, वो उसको ऑयल मैंने ऑलरेडी डाला हुआ, और उसको आपने तेल में प्याज को डाल के, और सबसे मज़े की बात इस बर्तन की मिट्टी की हांडी की है, एक तो खुशबू होती है, अरोमा होता है इसका स्पेशल, इसी तरह जिस तरह से कुछ ऐसी धातें हैं जिनके अंदर पकाने से मना करते हैं, क्योंकि बेसिकली जिस बर्तन में आप पकाते हैं उसे हीट लगती है, तो उस वो भी थोड़ा सा डिजॉल्व होती है साथ में। अच्छा, हमारे घर में अभी भी खान साहब, क्योंकि कच्ची वो हांडी जो होती है और लकड़ी की आग, लकड़ी की आग वो अलग से एक पूरा सेटअप लगा हुआ है चनियोट वाले घर में। अच्छा, कि वहाँ पे जब क्योंकि जब उनका मूड हो यार आज, और अम्मी बनाती हैं अच्छा लकड़ी की आग पे। अच्छा, और वो कच्ची हांडी में उसको, क्योंकि वो जो एक मिट्टी का उसके अंदर वो जो टेस्ट होता है ना, और उसमें जो चम्मच है वो लकड़ी की आग, हम उसे डोई कहते हैं, और वो जो डोई है और उसके ऊपर ये जो इसे कहते हैं छूनी, वो जो ये ढक्कन जो है चूनी, हाँ, इसे हमारी लैंग्वेज में उसमें चूनी कहते हैं, हाँ, ये इसके ऊपर रखते हैं और उसमें एक छोटा सा वो बटन सा भी होता है, हाँ, है ना, उठाने के लिए ताकि वो गर्म ना लगे। अच्छा, जब तक प्याज ब्राउन हो रहा है फरा, तो उसके इसके अंदर जायफल और जावित्री जो है, ये मैं बता दूं कि जायफल लेनी है, एक जावित्री का भी आपने ऑलमोस्ट इतना टुकड़ा लेना है, और इसके साथ काली जीरी। नॉर्मली हम खानों में सफ़ेद जीरा इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, तो बात वही है कि काली जीरी मैं जिन खानों का, एक दो ही खाने जिनमें इस्तेमाल होता है जिसमें से कुन्ना मेनली है, वो तो काली जीरी जो है ये इसके साथ जाएगी। जीरा और जीरी एक ही चीज़ है ना? नहीं, जीरी जो है वो उसकी बहन है, छोटी बहन है। अच्छा, छोटी बहन है। सो ये लेके जीरी में पाउडर बना लेते हैं ना, ये आपको फर्क खुद नहीं, ये देखिए जीरा जो होता है ना, वो जरा जीरा होता है, ये देखिए छोटी छोटी बेचारी जीरी जीरी है ना, फखर देखे। अच्छा, लहसुन और अदरक का पेस्ट इसके अंदर सारा गिर जाएगा जब प्याज आपकी थोड़ी ब्राउन होने लगे। वाह 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 वाह, मुझे अभी सही मजा आ रहा है। अच्छा, आपको कुन्ना अपनी अम्मी के हाथ का अच्छा लगता है या जो और? अच्छा, अम्मी जब वो हांडी बनाती है ना कच्ची, उसमें यानी वो जो भी बनाए वो कमाल ही बनता है उसमें, और यानी कुकिंग उनकी बहुत अच्छी है, और मेरी मिसेस की भी बहुत अच्छी है कुकिंग, बहुत अच्छा खाना बनाती है। हमारी फैमिली में एक नया नया एडिशन है अम्मी के साथ, कि यानी वो भी बहुत अच्छा खाना बनाती है, लेकिन ये जो है यानी इसका जो कुन्ने का स्टाइल है
वो प्योर जो जैसे ये बना रहे हैं वो एक रेसिपी से बनता है और वो जो इसका स्पेशलिस्ट है वो उसको बहुत ज़्यादा और फरह मिट्टी के बर्तन में जिस तरह बता रहे हैं कि लकड़ी का चूल्हा इसलिए इस्तेमाल करते हैं कि इसमें हीट इतनी ज़्यादा नहीं रखी जा सकती। अभी थोड़ा पंखे की हवा इस वजह से इसका फ्लेम बिखर रहा है, ठीक है, और चूल्हा मैंने तेज़ रखा है। अगर आप इसकी तेज़ आंच रखेंगे लकड़ी की जो वो एक एक स्टिक करके फिर उसके अंदर ऐड करते हैं ताकि टेम्परेचर जो है वो कंट्रोल रहे। अच्छा फरह, कुन्ने के चक्कर में पहली दफ़ा नदीम अब्बास ने बेगम की भी तारीफ कर दी। सर ये एक बड़ी कमाल बात जिंदगी में पहली बार। नहीं, जो डिजर्व करे उसकी तारीफ करनी है। बिल्कुल करें। अच्छा फरह, इसको ब्लेंड करके आपने बना लेना है इसका मसाला, ठीक है। इक्वली लेनी है तीन चीज़ें, जिसमें जीरी है, जायफल जलवत्री है और उसके साथ जो है जायफल है और जलवत्री है, साथ में काली जीरी है, साथ में सॉल्ट एंड पेपर अगर आप डाल लें और थोड़ा सूखा धनिया डाल के इसका बेशक मसाला बना लें, ठीक है। जिस तरह हम निहारी का भी नॉर्मली होता है ऑलमोस्ट सेम मसाला होता है लेकिन इसके अंदर लौंग जाता है, काली मिर्च वगैरह जाती है, तो इसी तरह से ही मसाला मैंने बना के इसमें जीरा वगैरह थोड़ा सा है रेडी किया हुआ, ठीक। अच्छा ये जो ये आग नीचे ये तो गैस की जल रही है ना, आपको पता है लकड़ी को मतलब, अच्छा आई लव पंजाबी वर्ड जो हमारे कल्चर के हमारे देहात के जो लफ्ज़ हैं। अच्छा मैं अपने बांझों से अपने जो हमारी छोटी बहुत है उन सबसे मैं और अबू हम लोग पंजाबी बोलते हैं, अच्छा उन्हें वो वर्ड्स बेवल करने की कोशिश करते हैं कि यार उर्दू तो ये स्कूल में भी सीखेंगे इंग्लिश भी सीखेंगे लेकिन कहीं वो विरसा और वो वर्ड्स मिस हो जाएंगे। जैसे मैं आज बता रहा हूँ कि इसको यानी उसको छूनी कहते हैं, अब छूनी वर्ड जो है ये बड़ा खूबसूरत वर्ड है हमारे मतलब उसका वो जो एक नकल, और नीचे जो आग जलती है उसमें जो लकड़ी की वो होती है उसे उसे क्या कहते हैं पता आपको? आपको पता है? अच्छा किसी को पता है जी हमारी ऑडियंस में कि जो लकड़ी की आग जलती बालन, है बालन बालन नहीं नहीं एक वो बालन तो हो गया ना जो अभी जला नहीं है। अच्छा जिधर जल जावे उन्होंने आधा जलाओ और आधा वो बचाओ उसे क्या उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं चौथी चौथी। अच्छा चौथी मतलब वो जो नीचे आधा वो जला होता है सुलगती और आधी लकड़ी और नहीं जो आधी सुलग चुकी हो आधी गायब हो चुकी हो और आधी पीछे बाकी हो जो चल रही हो वो चौथी हो गई। बिल्कुल वो चौथी जो है वो यानी वो बड़ी खूबसूरत चीज होती है। अच्छा। कई दफा लड़ाइयों में भी चल जाती थी। ठीक है अब इसमें मसाला डाल दिया, मसाला डालिए। अब इसके अंदर हम ये जो मीट है जो हम बता चुके हैं कि आपने कैसा मीट चूज करना है वो ऐड करेंगे मछली का गोश्त और उसको कटवाना नहीं है। इसको मॉडर्न कर लिया है कुन्ने को, इसको गला लिया है तो हम तो नहीं गलाएंगे। नहीं आपने गलाना नहीं है बिल्कुल और कच्चा डालेंगे। बिल्कुल इसी रूटीन के साथ कच्चा डाल देना है और उसके बाद मैं तो यखनी डालूंगी जिसमें मैंने इसको स्टीम कर लिया है, ठीक है। आप जो है उसकी जगह पानी बाथरूम बचाइएगा उसकी आप ज्यादा। बिल्कुल सही और डालकर तो इसको जरा 5 मिनट भूनेंगे और भूनने के बाद आपने जो इसका एक्सेसिव ऑयल है ना पर आप कभी भी कोई चीज़ थिक करें चाहे वो कॉर्नफ्लोर में थिक करें आटे से थिक करें या कोई और स्टॉर्च जिस तरह डिफरेंट मिलती है बाहर कभी भी किसी भी फूड में जब थिकनिंग एजेंट डाला जाता है कुछ भी तो ऑयल जो है वो अब्जॉर्ब कर लेता है, ठीक है। इसीलिए हमें चाइनीज फूड में ऑयल नज़र नहीं आता क्योंकि उसमें कॉर्नफ्लोर होता है। इसी तरह जब हम इसमें आटा ऐड करेंगे आटा नॉर्मली तो मैं कह रही हूँ कि आप ऐड ही ना करें, अगर आप इसको ओवरनाइट रख सकते हैं तो यखनी इतनी अच्छी निकलेगी कि अच्छी सी उसकी चिपचिपाहट होगी। तो आपने जो है आटा जो इसके अंदर ऐड करना है उसमें ऐड करने के बाद इसको अच्छे से भून के भूनने के बाद स्टेज पर डाल देना ऑयल इसका निकाल लेंगे। ऑयल इसलिए निकालेंगे ताकि हमें ऊपर तड़के के लिए एक्स्ट्रा ऑयल नहीं ऐड करना, ठीक है। तो ये ऑयल मैं थोड़ा सा इसमें से भी निकाल लूंगी। खान साहब ने हमें बताया है कि देसी घी जो है उसमें बिल्कुल। अच्छा वैसे जरा खान साहब की लगन चेक को अपने जज्ब में है वो अपनी मस्ती में है वो अपने उसमें। अच्छा मेरा ख्याल है खान साहब हर वक्त बाजे जब अच्छी आंटी बन रही हो तो अच्छा आर्टिस्ट ऐसे ही करता है। अच्छा फरह इसका जो ऑयल है ना वो हम निकाल लेंगे कर लेंगे ताकि ये वैसे बड़ी अच्छी बात है लेकिन अगर देसी घी हो इसमें बिल्कुल देसी घी मेरे पास है वो मैं लास्ट में बिल्कुल भगार के साथ थोड़ा सा ऐड करूंगी। वाह हम प्योर नहीं क्या है ना है, क्या बिल्कुल पक्का देसी नहीं है लेकिन आपकी तरफ कुन्ना पार्टी ड्यू है घी है मेरे पास देसी घी है ये पर और इसके अंदर ही मैंने काली जीरी को थोड़ा सा भूनना है साथ में ये ऑयल ऐड करना है ताकि हमें एक्स्ट्रा कश्मीरी मिर्च जो रंग वाली मिर्च होती है वो ऐड ना करनी पड़े और उसके साथ जो है हम इसकी जैसे तरी बोलते हैं पंजाबी में
वो ऐड कर देंगे। अब मेरे पास स्टॉक थी, आप आपके पास चूंकि कच्चा मीट होगा तो आपने इसकी जगह पानी ऐड करना है, और पानी ऐड करने के बाद इसको रख देना है दम पे आराम से। फिर वो क्या नाम था उसका जो ऊपर देते थे, छोड़ी छोड़ी। अच्छा वो एक बड़ी मजे, वो जो चौथी में कह रहा था ना जिसको, वो एक खवातीन के लिए वो बड़ी एग्जांपल, यानी वो गिनी जाती है, आपको पता होना चाहिए। वैसे तो आपने नहीं, वो उसमें एक और बड़ी मशहूर एग्जांपल भी है। अच्छा वो ये है कि वो जब आग नहीं होती थी तो वो किसी के साथ वालों के घर जाके आग वो चौथी लेने जाते थे। अच्छा उससे अच्छा, फिर आगे कंटिन्यू करती थी अपनी दूसरी आग। तो वो पंजाबी की एग्जांपल सुन लो, चूल्हे की सहन बन गए। आपने तरीका सारा बता दिया, पुनः तैयार करने सब कुछ। अब औरतें रोने के बहाने कैसे लेंगी, क्या बात, रोने के बहाने कैसे ढूंढेंगे, अगर प्याज ठंडा करके काट लेंगे। पंजाबी कहावतों का आंसू कैसे आए जिक्र करें ना, तो एक और पंजाबी की बड़ी वो है, रोना यारा नू ले ले नाम भरावां दे। ये भी तो है ना खान साहब, तो प्याज के बहाने जो है मतलब आप बहुत अपने दुख शेयर कर सकते हैं, बहुत सारे दुख, सारा प्याज तो पा रहे। बिल्कुल सही, आपने कुन्ना घर में जरूर ट्राई करना है कि कैसा बना और कैसा लगा आपको। वेलकम बैक। और अगर मैं कहूँ ना कि जिंदगी के लाइव म्यूजिक जो मैंने सुने हुए हैं उनमें से एक ये सुबह मेरी जिंदगी में यादगार रहेगी, वन ऑफ द ब्यूटीफुल मॉर्निंग्स आई हैड। बहुत शुक्रिया सर, आपकी तशरीफ बड़ी बाबरकत है, जब भी आती है तो हमें बड़ा दिल से ना बड़ा बड़ा खुशी भी सुकून भी सब कुछ ही मिलता है। और अल्लाह तआला ने आपको नदीम अब्बास जैसा बेटा दिया है, तो अल्लाह उनके फन में भी और इजाफा करे और बहुत सारा। आपने तो हमें नहीं बुलाया कुन्ना पार्टी पे, तो हमने अपना कुन्ना पार्टी जो है वो आपके लिए की है। आपने चखना है और बताना है कि शेफ हुमा ने जो कुन्ना बनाया है ये कितना चनियोटी है। ओ, कोई प्लेट ले आओ ना, प्लेट ले आगे। और इसमें चनियोटी पन कितना डालें, इसमें डालें? नहीं इसमें नहीं। हाँ इसी में ये जस्ट टेस्ट ही करना, सिर्फ ये देखेंगे कैसा बना है, कैसा बना। और इसकी जो कुन्ने की बोटी थोड़ी छोटी कटवाते हैं। नहीं 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 नहीं, ये इतनी होती है, ये इतनी होती है, स्टैंडर्ड साइज है। हाँ लेकिन कुन्ने के लिए प्लेट बड़ी करते हैं। अच्छा या अब ये है कि एक काम करते, एक मिनट। अच्छा आ गई है, वैसे आ गई है। हाँ ये देखे ना, ये देखे ना जी, कुन्ने की प्लेट। ये देखे ना, ये हॉस्पिटैलिटी खवातीन के अलावा मेरे लिए बहुत मुश्किल थी, लेकिन मैंने असमें इसको करने की कोशिश। वैसे इसकी जो असल वो है वो ये है जिसमें शोरबा आ जाए। अच्छा। और जिसने तो आपने खान साहब को शोरबा तो डाल के नहीं दिया कि वो चेक करें। खान साहब आपने इसके चनियोटी होने पर हमें आपने बताना कि ये चनियोटी है कि नहीं। चलो चनियोटी है कि ये शेफ हुमा का ही है, लेकिन इसका रंग रूप बिल्कुल वही है, चनियोटी है, रंग बिल्कुल वही है। और ये खास तहसील चनियोट लग रहा है इस वक्त। अच्छा यानी वो जो तहसील चनियोट हुआ करती थी कभी, अभी जो जिला है वो डिस्ट्रिक्ट हो गया, और उसमें जो तहसील चौक है वो आज भी तहसील चौक के नाम से है। और कलमा चौक भी वैसे अब लोग कहने लग गए, ये उसका टेस्ट आ रहा है हमें। अच्छा चले, इस हमें ये पता चल गया कि अगर आप वैसे चनियोट जाए तो फिर कहाँ से जाके आपने कुन्ना खाना। अच्छा वो जगह मैंने अभी आपको बताई नहीं। अच्छा वैसे आपने मुझे बताया, अभी मैं आपको जस्ट चनियोट घुमा रहा हूँ। नहीं आपने मुझे बता के जाना, ताकि हम पिन लोकेशन लगा के जाए कुन्ना खाने। सर आप पहले चखेंगे ना, आप बताएंगे चनियोटी है फिर मैं चखूंगी। अच्छा क्योंकि मैंने खाली कुन्ना नहीं खाना, मैंने चनियोटी कुन्ना खाना। इट हैज चल, मैं आपको डाल के दूं सर कितना चनियोटी। क्योंकि जिस गर्मी में उन्होंने बनाया ना ये कुन्ना, वही ना है। अच्छा चक्के चक्के आपने भी बताना। सर खास पास हो गई चनियोटी। अच्छा वो जो हमारे चनियोट में बनता है ना उसको, उसका तरीका ज़रा और है। अच्छा वो कैसे बनता है? वो बनता है कि सारे मसाले उसमें डाल दिए, ठीक है, और आटे से उसको लेप कर दिया, ठीक है, आग पे रख दिया, ठीक है, और जब वो तैयार हो जाता है तो जो हमारे कारीगर हैं ना उनको पता चल जाता है कि अब तैयार है, अब तैयार हो, उन्हें मैसेज आ जाता है मोबाइल, यदि ये डोई वगैरह ये नहीं हिलानी पड़ती। अच्छा उन्हें खुद ही पता चला, एक ही दफ़ा सारा गोश्त भी डाल दिया, मसाले भी डाल दिए, ठीक है, जैसे पाए बनते हैं, ऊपर से ढक्कन दे दिया, उसको लेप कर दिया आटे से। वो बताया वैसे उन्होंने कि ये इनका असल तरीका, असल जो तरीका है ना कुन्ने का। बहुत शुक्रिया सर,
बहुत शुक्रिया, थैंक यू। लेकिन बहुत अच्छा बना, वेरी गुड, बहुत अच्छा। थैंक यू जनाब खान साहब, अल्लाह ताला लोने वाला साहब, बहुत शुक्रिया, वंडरफुल टू हैव यू। सामिया शेफुमा चिन्योटी कुन्ने के लिए खास तौर पे शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। और हम सरीन मार्की से आपके लिए लाइव होते हैं रोज़ाना, आज का लाइव सेशन भी आपने इन्जॉय किया है, वो बहुत पसंद आया होगा। बरकी रोड पर ये खूबसूरत इवेंट कॉम्प्लेक्स है, आप भी इस तरह के इवेंट्स ऑर्गेनाइज कराना चाहें तो आप भी अवेल कर सकते हैं। लेकिन दिस टाइम हम आपसे इजाज़त चाह रहे हैं क्योंकि कल फिर आपसे मिलना है। ख्याल रखिएगा अपना, है वो वंडरफुल डे अहेड, और अल्लाह बदलने वाला है, कोई अपना आने वाला है। रिश्तों को मजबूत बनाने, बातों बातों में समझाने।